रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कंट्री क्रिकेट क्लब की ओर से 3 दिवसीय इंट्रा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में 4 टीम हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में 17 और 18 मार्च को लीग मैच खेले जाएंगे। 19 मार्च को सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाएगा। बुधवार को इस टूर्नामेंट के ट्रॉफी का अनावरण जेएससीए अध्यक्ष संजय सहाय और कंट्री क्रिकेट क्लब के सचिव अजय नाथ शाहदेव ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही भाग लेने वाली 4 टीमों को ड्रेस भी दिया गया। इस प्रतियोगिता में ग्लैडिएटर्स कैप्टन अनुपम देव, ज्वाइंट्स कैप्टन अमित गिल, डायनामाइट कैप्टन विक्रम सिंह और सुपर किंग्स कैप्टन पुरुषोत्तम कुमार की टीम हिस्सा ले रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पूर्व सीएम शिबू सोरेन से मुलाकात की। इस मौके पर विधानसभा सत्र की कार्यवाही से संबंधित गतिविधियों से अवगत हुए। इस मौके पर स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी समेत कई विधायकों ने गुरुजी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने मुलाकात की। आगामी 26 मार्च को कोल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कोल इंडिया मैराथन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर पीएम प्रसाद ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।